अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माई चैनल। क्या हाल चाल है आपके? उम्मीद है जी तुसी ठीक होवोगे अल्लाह के फजलो करम नाल। मैं भी ठीक ठाक अलहमदुल्ला। अल्लाह पाक की नेमतों का जिन्ना शुक्र अदा करो उन्ना ही घट है। अच्छा जनाब, तुसी टिकटॉक ते वेख्या ना, असीं पिंडां वाले जट, असीं भी जट हुंदे हां जी, पिंडां वाले जट। मुस्तफा भी अक्सर आंदा हुंदा, असीं पिंडां वाले जट, असीं पिंडां वाले जट। ते जट्टां दा ना कोई टाइम नहीं हुंदा पराठे खाण दा ते पराठे बनाण दा। हुण इहदा तां कोई काम नहीं, इसको मैं किसी के सर में मार देती हूँ। यहाँ पर जनाब अभी टाइम बजे है तकरीबन 4:30 दा, मेरा ख्याल हो गया। तो 4:30 बजे कोई पराठे का टाइम नहीं, चाय का टाइम सी, लेकिन सुबह नाश्ता हल्का फुल्का किया, फिर बच्चे स्कूल चले गए, फिर आके ज्यों बच्चे सुते एक बाजी अकेडमी चले गई। तो अभी आर्डर हुआ है कि हमने ना पराठे खाने और साथ दही वाली चटनी ग्रीन। तो मैंने यहाँ आलू बॉयल किए जल्दी जल्दी, तो फिर मैंने इनको मैश किया। तो उसके बाद अब मैंने इसमें डाली है नमक, पहले मैंने धनिया सब्ज़ मिर्चें और प्याज चॉप किया है वो डाला है, फिर अब नमक भी डाली है। ये तो तुम्हें पता है जो जो डाला है, ये थोड़ा जहा सुक्का धनिया आएगा पिसिया, सुक्का धनिया मैं ज़्यादातर चीज़ें मैं पानी मैं बड़ा पसंद है। हल्का जहा जीरा पाउडर आएगा, ज़्यादा नहीं। तो आप बना के ना, मैं तो ये नाल मैं बनाना है जी चटनी, चाय बाद च पी लाँगी हूँ। तो अब ये है कि बच्चों का आर्डर अगर ना ना मनो, अजकल तो वैसे ही पेपर के दिन चलन डे ने, तो बस समझो कि रिश्वतखोरी होंगी कि पढ़ लो तो पढ़ लो, जो आखोगे ना वो ही तो मिलेगा। आलू वाले पराठे हमारे घर से वैसे सभी बड़े शौक से खाते हैं, मेरे मियाँ साहब बच्चे, तो मेरा की मैं तो जो हो अज ना शायद सलाह कि उत्थे बाहर ही हुई है, क्योंकि घर वाड़द एक अद्धे बच्चे ने नहीं किया, तिना ने किया अज आलू वाले पराठे खाने हमने आलू वाले। तो उस दो बारी स्कूलों आई ने, फिर बॉयल कर दिया ते सारे पे, मैं पहला वैसे ही थोड़ी बिजी सा, हूँ 4:30 का टाइम हो गया। अम्मा पराठे चाहिए, अम्मा पराठे चाहिए, मैं क्या चलो जी अम्मा हाजिर। अम्मा ने किचन के कामों के लिए ना कर सकती अम्मा की जरूरत। अच्छा जी, किसी ने मुझे कॉमेंट में पूछा कि आपके बच्चे आपको अम्मा कहते हैं, अम्मा तो दादियाँ नानियों को कही दें, तो नहीं जनाब मेरे तिने बच्चे मैनू अम्मा तो अपने अबे को बाबा कहते हैं और अम्मा कभी कभार मामा मुस्तफा कह देता है, लेकिन मतलब मेरी सिस्टर के बच्चे भी अपनी मामा को अम्मा, भाभी के बच्चे भी, वो फिर आदत सारे बच्चों इको जी पई है। तो अम्मा बाबा वैसे अच्छा लगता है। और किसी ने कल वाली वीडियो पता नहीं किसी ने मेरे तंज किया है या किसी ने मजाक किया या किसी ने सच्ची किया, लेकिन मैं जोड़ा भी मेरे चैनल पर कॉमेंट आता ना, मैं बड़ा एहतराम करनी हाँ, मैं लाइक भी किया अगों, बहुत शुक्रिया जी थोड़ा। किसी ने कहा जी रोटी बनाना सिखा दें, अल्लाह जाने हूँ ये की सी तफसील, तो मैं अगले कॉमेंट जरूर दसना कि की मकसद से कि सच्ची मुझे सीखनी है या मेरी रोटी आपको डिंगी पिंगी चिब्बी लगी है तो आप वो तन चाड़ रहे हैं। तो अगर डिंगी चिब्बी लगती है तो वैसे मैं रोटी में मुझे लगता है एक्सपर्ट हो गई हूँ, 17 साल हो गए मैं रोटियाँ पका लिया हैं, तो हजे भी मैं एक्सपर्ट नहीं होना। तो अगर वैसे आपने मजाक किया है तो फिर भी बहुत शुक्रिया, अगर सच्ची मुझे सीखनी है तो फिर भी बहुत शुक्रिया, बड़ा अच्छा लगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें जल्दी से, लाइक और शेयर करें और कॉमेंट भेजा करें, मुझे पता चला करे कि कोई ना कोई मैं कितों कितों वेखन देने लोग हैं। थोड़ी मेहरबानी जनाब, तो हूँ तो मिलने पराठे बनाने चटनी बनाने। चले जी आखिरी मैं ला गया पराठिया का, मैं चम्मच शम्मच यूज नहीं करती क्योंकि ये जो देसी तरीका है ना इसी के साथ पराठे मज़े के लगते हैं मज़े के तो भावें लगते हैं नहीं लगते, और यही आसान और सौखा तरीका जिसको कहते हैं ना। अच्छा ये पराठा है फातमा का, ये जी कोल फोखलोती होंगी फातमा के, मेरी स्टफिंग जी ना ज़्यादा होनी चाहिए। जब आलू वाले पराठे की सलाह हुई थी ना तो अलीजा का मूँह ढिला हो गया से, मैं क्या पुत्र तू फिक्र नहीं करनी, तेन मैं बेसन वाली रोटी च आलू डाल के ना मतलब मैं वही बना देनी हूँ, आज मैं बेसन का आटा जोड़ा ना गुन के बनावगी। वैसे मैं पैनकेक बनाती हूँ अंडा डाल के पैनकेक की तरह, लेकिन आज मैंने अपनी बेटी को आटा गूंद के ताकि
दरअसल इन्ने परहेज तो बाद जो छोड़ो ना जी तो उदो दिल नहीं करता मेरी। मैं कहनी जिंदगी की अगर सब तो वड्डी गलती सी तो यही सी कि मैं जरा शुरू कराता गंदम, क्योंकि चंगी भली मेथी का टेस्ट डिवेलप होया सारा कुछ तो हूँ वह दिल ही नहीं करता। कल भी नहीं, दो तीन दिन हो गए सही तरह रोटी नहीं खा रही। तो मैं क्या चलो ये देखे जी आलू के पराठे की क्या लुक आई है। अपनी मैं खाने की तारीफ अपने मुँह ही करनी है, जो किसी ने करनी नहीं तो फिर आप ही करनी है ना। तो मेरे बंदे को जरा आदत घट है तारीफ करने की, तो जब भी मैं तैयार हूँ या कहीं जाऊँ तो फिर मैं पास जा कर पूछती हूँ मैं कैसी लग रही हूँ, तो फिर हाँ जी जी अच्छी लग रही है, वरना खुद ब खुद साढ़े घर आवाज ही कौन तारीफ का। पर चलो ये कसर मैं अपनी आप पूरी कर लेनी हूँ, मैं खुद करती हूँ अपनी तारीफ और कुछ बंदे को करनी चाहिए अपनी तारीफ। और ये देखें जी ये है फातिमा का पराठा, चटनी भी मैंने बना ली थी। और अब देखें बाकी सब के पराठे बनाते हैं और अगर मैं नहीं सकते ते फिर इंज किया तो फिर उंज किया। तो अब जब मैं उर्दू स्पीकिंग हो गई हूँ तो मैं कहती हूँ फिर नहीं क्या कहती हूँ और ठीक है ना। तो चलो फातिमा पराठा खाती है और आपके साथ मिलते हैं बाद में। यहाँ पर जनाब वकील साहब भी आ चुके हैं और हम सब ने खाना खा लिया है। अब एक बेसन वाला मैं बनाया आज अलीजा का, अलीजा मायनीज़ के साथ खा रही है। अलीजा मज़ा नहीं आया, अलीजा हूँ मज़ा नहीं आता। और ये आया है जी सुबह नाश्ते का सामान, ब्रेड आया है, मायनीज़ ख़त्म हुई थी वो आई है, और इसमें एक और चीज़ आई है हिज महल, मुझे हर बार आती है वो जो मेरे हाथ में है क्या मेरी मुट्ठी में बंद है क्या मुस्वा की कैंडीज। अगेन के चार कैंडीज ने तीनों बच्चों की देख मेरी है ना गिल देती हूँ सबको देती हूँ। चलो बर्तन उठा लें पहले। ये देखें जी बाहर हो रही है बारिश, तकरीबन 6:30 का टाइम है और मुस्तफा साहब इंजॉय कर रहे हैं। बारिश तो नहीं कह सकते, बूंदाबारी कह सकते हैं। ये देखें बड़े लोग मैं पूछते हैं कॉमेंट कितने रेंगे, मैं उन्होंने आनी हाँ मैं रही हूँ जिते हर वक्त हारन पां पां जिते हर वक्त खिच खिच खां खां जिते रात में 7 बजे तो बाद खाने की खुशबू बारबेक्यू की खुशबू टका टक की खुशबू वो जैसे दिखाएं लाइट आपको वो देखें जिते दुनिया दी चहल पहल रौनक बस शोर शराबे च रही हूँ मैं ये काफ़ी नहीं मैं। और यहाँ पर जनाब ऊपर बादल देखें हल्की हल्की बूंदाबारी है लेकिन सड़कों तो पता लग गया थानू माड़ी माड़ी गिलियाँ हो रही तो वो देखे ट्रैफिक आ रही है पुल से बस इन्ना ही बाहर आ सकते हैं क्योंकि इतने असं पहला चिक्का लवाइया सन फिर नीचे शोरूम ना फ्लैक्सा लवानिया सन इसलिए चिक्कियाँ तार दी तो फिर अब ना बाहर रश बड़ा होता है क्योंकि सामने होटल साइडों पे बस स्टैंड सामने भी बस स्टैंड इधर होटल थल्ले भी होटल तो इसलिए फिर इतने खलोना जेड़ा ना अच्छा नहीं लगता जी। बेटे पुलिस वाले आए हैं क्या खाई जा रहे हैं पुलिस वाले पापड़ यहाँ पापड़ कहाँ ये टकाटक बन रहा है जी ये देखे टकाटक और इधर बर्गर ये देख लें वो सामने भी बर्गर और क्या है लीजा वो सामने भी टक हाँ टक टक कढ़ाई और वगैरह हाँ बस बस मुस्वा तुम्हारी मोए मोए कर रहे हैं वो देखें एम्बुलेंस गुजरी चलो बंद करो जी। ये देखें जी रात 9 बजे का टाइम है और लीजा का मैंने फातिमा का आपको बताया कि लास्ट डे है तो इन वक्त पे है तो बस एक हम स्टोर पे जा रहे हैं सारे ही मेरी देवरानी भी आ रही नीचे आ जाती है वो कौन खड़ा हुआ है अच्छा कोई बात नहीं और हम जा रहे हैं जी कुछ चीज़ें लेने फातिमा की बच्चे सारे ही मेरे भी देवर के भी एक ग्रुप आ जा रहा है देखो अगे वेख ये मुस्वा क्या कर रहा है
ज्वेलरी वगैरह भी है पे ना, सोच लो की लेना है। प्यारा सा गिफ्ट अल्लाह ने किधर ही लेना है दोस्तों। हाँ शुरू च वही चीज़ा पईयां ने इधर स्टार्ट दे विच। यार वो बच्ची थोड़ी है। बच्ची नहीं है तो फिर कितने बाप प्यो ना मैगा मार चला जाए इस टाइम 9 बजे तो चेता आया। मुस्तफा मेरी बात सुनो, कितनी बुरी बात है बेटे, उपो देखो बच्चों के साथ नहीं बना रही। पुप्पो कह रही मेरी भी वीडियो बना रही। पुप्पो ये बच्चे जी अपनी चाची को बोलते हैं। कटिंग प्लेट हमारी टूटी हुई है, इतनी देर से बोली ही नहीं। जा देखना इधर कटिंग प्लेट है नहीं है, देख है कुछ मैनू है नहीं लखी कटिंग। अच्छा वो बाल्टी छोटी है ना, लेकिन मैंने सर कटिंग प्लेट ही थे वो पीछे देना था स्टोर है, मैं पीछे ही बढ़ चली सो। अच्छा आप और आपने क्या ये उसके अपने फ्रेंड के लिए लिए हैं। अच्छा आप ना चारों भी एक एक चीज़ ले लो जो लेनी है खाने वाली, एक दो पाँचों हाँ ले लो जल्दी से। रेमूसा ले लो आप भी जो लेना है ले लो। आप अपनी चीज़ सेपरेट पकड़ो, रूसन वाली कड़ी गाल लेते हैं यार इसे लिया क्या। चल जाओ तुम अपनी चो, चलो ठीक है वो बिठाओ अपनी चीज़ बस। चलो दूसरी टोकरी ले, दूसरी टोकरी ले लो जाओ पापा ये बस, इससे ज़्यादा अब नहीं बढ़ो। क्या हाँ चल आ जाओ मेरी गाल सुनो इधर आ रहे आप मरियम, आप लोग भी चीज़ ले लो इधर जो खानी जल्दी करो फिर चलें देर हो रही है ले लो। दो ले लो ये डिफरेंट कलर्स की ले लो ना। हाँ चलो सही है। चलें जी आज ना टोकरी चुट गया घर, हम लोग आ गए हैं और यहाँ फातिमा की पैकिंग शुरू हो गई है तो मैं तो चलनी है सौन तक ही सब करने देना हूँ। इनके जो ये तंज है ना ये पूरी उम्र मेरे ऐसे चलते रहते हैं हूँ और मैं सोने लगी हूँ। तो इंशाल्लाह जी आपसे कल वाले व्लॉग में मुलाकात होगी। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, दुआ में याद रखें, कमेंट भी करें, बेल आइकन को भी दबाएं। हैं कैसे पता नहीं जो मर्जी का मैं सोन चल लिया। अल्लाह हाफिज़ जरा हेल्प कराई दी।